नॉट अवेलेबल फॉर फ्री कंटेंट। सामने देखो लेक है, मुझे पूल में जाने का है। अगर हम घूम गए तो किसी को फोन करके बोल भी नहीं सकते। अभी यहाँ की वाइब भी बदल गई है। वेलकम बैक टू द चैनल स्काई हाई। हम लोग आ जाए मुंबई टू तापोला, जिसको मिनी कश्मीर भी बोलते हैं। तापोला महाबलेश्वर से ऑलमोस्ट 1 आवर आगे है, एंड यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोग रहने वाले हैं जलसुश्री एग्रो टूरिज्म तापोला में। ये पार्किंग एरिया है, ये पूल साइड एरिया है, एंड यहाँ से व्यू कितना प्यारा है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम अवेलेबल है। मैंने एंड शार्दुल ने कपल रूम बुक किया है। ये विला है जहाँ पे 4 पर्सन एंड 6 पर्सन शेयरिंग रूम अवेलेबल है, जो हमारे फ्रेंड्स ने बुक किया है। यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन एरिया भी है जहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ आए न्यू ईयर पार्टी करने हमारे दोस्तों के साथ, एंड आज तो बहुत सारा एंजॉय करने वाले। जूम पे अच्छा लग रहा है। फोटोज बहुत अच्छे आएंगे यहाँ पे। पोजीशन देखना साइड पे बजे पे। हाय मीरा। हाय, तुझा वीडियो काटते है, हाय कर। बाहर निकाल देंगे इसलिए वो हाय कर रही है। सबसे बेस्ट व्यू वाला एक ही रूम है, वही आपको दिया। अच्छा, देखते अभी ऊपर का दो है नीचे का। फिलहाल गर्मी है, इसे थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन रूम में एसी है। यूज भी काफी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे बालकनी है। बालकनी सो पीसफुल, बिकॉज सामने देखो लेक है, इतना प्यारा व्यू है। यहाँ पे रात को बहुत अच्छा लगता होगा। अभी तो शायद धूप है इसलिए थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़ हो रहा है बाहर, बट रात को पार्टी करना है। बालकनी काफी बड़ी है। रूम में अभी हमने चेक इन कर लिया है, गाड़ी में सामान रखा है। ई शाहरू, अपन भी जाएंगे स्विमिंग पूल में? अभी फिलहाल मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, क्योंकि मुझे स्विमिंग पूल जाने का है, फिर बोटिंग को जाने का, बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। शाहरू को भूख भी लगी है, शाहरू टायर्ड भी है, गाड़ी चला के आराम भी करना है। गर्मी भी हो रही है बहुत, मुझे लगा था कि यहाँ ठंडा होगा, शायद रात को यहाँ ठंड पड़ेगी, शायद रात को ठंड पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे बॉनफायर के बहुत सारे निशान दिख रहे हैं। ये हमारा दोस्त है, न्यू बॉर्न बेबी है उनके साथ, वो पूरा झूला उठा के लेके जा रहे हैं। बेबी उसके अंदर सोया हुआ है। बेबी होने के बाद ऐसा होता है शाहरुख, कब से बोल रहे शाहरुख कि जल्दी बैग लेके चलो, मुझे पूल में जाने का है। सब कुछ ले लिया। दिस इज अवर रूम। फायर यार, ठंडा लग रहा है अंदर। चलो तुमको रेस्ट करना है कि चलना है नीचे? चलना नीचे। पानी बहुत ठंडा है। क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत ठंडा है, मैं तो अंदर जाने की कोशिश कर। चल जम मार ले। और बहुत ठंडा है बे। अभी आना। अरे वो लगेगा, वो निकल रहा है ना। पड़े ये तो बड़ा नाइस है। खाना खाना है कि यहीं पे रहना है? 2 बज गए। अभी स्विमिंग करके हम लोग आए, फ्रेश अप हुए, लंच करना एक्चुअली फिनिश हो रहा है, पहले लंच करने जा रहे हैं। एक्चुअली लंच 3 बजे तक ही है, एंड अभी बजे 2:45, तो मेरे पास 15 मिनट है खाना खाने के लिए। क्या मेरे लिए कितना अच्छा, इसको बोलते दोस्त मेरे लिए खाना खाने रुकी। लेकिन स्विमिंग पूल में नहीं आई। शाम को आऊंगी, शाम को कोई नहीं जा रहा, मैं अकेली जाऊंगी। वेज एंड नॉन वेज दोनों है यहाँ पे ना? वैसे मैंने नॉन वेज लिया है, इसने वेज लिया है। वेज का टेस्ट कैसा है? ठीक है। ये क्या कॉम्बिनेशन शाहरू, वेज नॉन वेज सब कुछ ले लिया? दाल, चिकन, भिंडी एंड रोटी। तेरा सॉर्टेड है, रोटी एंड चिकन, दैट्स इट। लंच हो गया हमारा, एकदम घर के खाने जैसा था, स्पेशली वेज बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं रेस्टोरेंट में, इसके सामने का व्यू देखो। खाना हो गया ना, तो चलो फिर। हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे लंच के बाद, अभी हम लोग उड़ गए हैं, जा रहे हैं शायद कायाकिंग करने, बट वो 5 बजे तक ही रहता है ऐसा हमने सुना है। 5 बज चुके हैं, जाके देखते हैं। हम लोग अभी जा रहे कायाकिंग करने, पता नहीं शादुल का रहेगा रास्ता नहीं समझना है ना, थाम लो 2 मिनट। तो बेसिकली पहले हम लोग चाय पीने आए, नहीं क्या करना है, यहाँ करना है कायाक, तो हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हम कायाकिंग कर पाए। तो वो हमारे लीडर उधर जा रहे हैं, हमको बता भी नहीं रहे क्या करना है। बाय द वे कितना ब्यूटीफुल है, कायाकिंग छोड़ो या पीस है, पीस। बेसिकली 2 ही बोट यहाँ पे, तो टाइम 3 लोग ही जा सकते हैं, 1-2 लोगों की बोट है, तो मैं जाऊंगी सिंगल वाली। यहाँ से फिसल रहे तो समझ, चलो फिसल फिसल फट से चलो। क्यों
हो गया तेरा? यस। बोर्ड बांध देंगे पहले। अच्छे दिन में एक लंबी सी ड्राइव भी होगी, स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा मस्ती होगी और तूने कायाकिंग भी कर लिया। नींद भी हो गई, नींद तो ऐसे सोए हम जिसकी हद नहीं। और अभी हमने पानी में खेला ना, इसकी वजह से बहुत नींद आई। और ये सब करने के बाद भी अभी से 5 बजे यहाँ तो इतना सन्नाटा है। एक तो कवरेज बिल्कुल भी नहीं है किसी के भी फोन में और कहीं पे भी कवरेज नहीं है। महाबलेश्वर के आगे कहीं भी कोई भी नेटवर्क नहीं है। अगर हम घूम गए तो किसी को फोन करके बोल भी नहीं सकते कि अरे मैं यहाँ हूँ, हमको खुद ढूंढना पड़ेगा, इसलिए बेटर है घूमो मत। वैसे अभी यहाँ चल रहा है एक मैगी ब्रेक। देयर इज अ रीजन जो तपोला को मिनी कश्मीर बोलते हैं। हाउ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल इट इज। आप यहाँ डिफरेंट टाइप की बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ स्पीड बोट भी अवेलेबल है। एंड ये जगह कितनी प्यारी है। सनसेट जस्ट अभी हो चुका है। ये रोज तक फोटो सेशन हुआ, यहाँ पे सनसेट हो गया। भाई नेटवर्क आ रहा है इतनी देर बाद। हम दोपहर में खेले हैवी लो, शाम को खेल रहे हैं। अभी शाम को यहाँ चाय बिस्किट वाला प्रोग्राम चल रहा है। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है हमारे बुकिंग में। एंड रात को बारबेक्यू भी। अभी यहाँ की वाइब भी बदल गई है, बारबेक्यू भी स्टार्ट हो गया है, वेज एंड नॉन वेज। उन्होंने गार्डन में हमारे लिए पार्टी का इंतजाम कर दिया है एंड म्यूजिक का भी। एंड ये हमारा डांस स्टार्ट हो गया। अभी 11 बज गए हैं, हमने इतना डांस किया, मतलब मैंने तो इतना ज्यादा डांस किया, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। 11 बज गए तो पहले डिनर कर लेते हैं, देन हम लोग फिर से डांस करेंगे डिनर करने के बाद। क्या था ये? कौन सा डांस कर रहा था? खाना खा लेते क्या अभी? हम लोग अभी ये चटाई पे बैठे, यहाँ ग्रास पे चटाई भी रखी है, टेबल्स भी रखे हैं। डिनर को अभी सिर्फ 1 घंटा बाकी है। व्लॉग जो हमने बहुत एंजॉय किया, अगर आपने भी एंजॉय किया तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स। बाय।